ढाणी में सो रहे परिवार पर हमला, महिला की हत्या, पति व बेटा घायल। घर में तीन जने थे जिनमें से एक की मौत हो गई, दो जने घायल मिले। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चामू थाना क्षेत्र के भाड़ू अनूपगढ़ गांव में एक ढाणी में सो रहे परिवार पर रात के समय अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई जबकि महिला का पति व बेटा घायल हो गया, जिनको चामू CHC लाया गया जहाँ से जोधपुर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर चामू व शेरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। चामू थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि भाड़ू अनूपगढ़ गांव में जोगाराम पुत्र लिकमाराम मेघवाल ने सूचना दी कि उसके छोटे भाई भागीरथ राम की पत्नी गर्भ में मर्त पड़ी है, जिसका पति और पुत्र भी घायल अवस्था में। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो 36 वर्षीय सुशीला पत्नी भागीरथ मेघवाल झोंपड़े में मर्त पाई गई, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। पति भागीरथ राम एवं 10 साल का पुत्र जयदेव भी घायल अवस्था में थे, जिनके शरीर पर चोट के निशान थे। दोनों घायलों को तुरंत निजी वाहन से सामू CHC लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतिका के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया है। शेरगढ़ पुलिस एवं बालेश्वर पुलिस उपाधीक्ष पदमदान चारण मौके पर पहुंचे। वहीं SFL टीम भी मौके पर पहुंची। मृतिका का शव बालेश्वर में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। घायल भागीरथ राम के भाई ने चामू पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसका भाई भागीरथ राम अपने बच्चों के साथ में ढाणी में अलग रहता है, जहां पर उसकी पत्नी घर पर मर्त पाई गई है। भाई व भतीजा घायल अवस्था में मिले। ये हादसा कैसे हुआ इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हादसे के वक्त घर में पति पत्नी और दो बच्चे थे। एक बड़ा लड़का किसी होटल पर काम करता है, वह घर पर नहीं था। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। हमलेवारों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही कारणों का पता चल पाया है। ये सूचना मिली थी कि भाड़ू अनूपगढ़ में एक महिला की हत्या कर दी है, जिस पर यहाँ पे मैं, लोकल सीओ साहब, SHO सब ने मिलकर हमने घटनास्थल देखा। तो एक महिला की वहाँ मृत्यु हो रखी थी और उसके साथ में उसका पति और बच्चा घायल है, जिनको MG में भेज दिया गया है इलाज के लिए। दोनों सही है और इसके संबंध में जांच के, इसकी हत्या के संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ टीमें बना रखी है और अलग अलग तरीके से कई एंगल से इसमें जांच कर रहे हैं। मुकदमा किसी अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ है या कोई नामजद है? अज्ञात के खिलाफ मुकदमा करवाया, सो टेस्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं।